हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, कुछ दिन क्या, दो दिन पहले ही वीडियो यहाँ पर बनाई थी हमने। अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर JTE KT से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, और जो कि आज के दिन में 20%, उस दिन लगभग 9 से 10% भागा था, तो लगभग 30% के आसपास ये भाग चुका है। और इस शेयर में 30% का और अपसाइड है, तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसी सेक्टर की एक और वीडियो, एक और शेयर है जो कि भागता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी खुद की स्टडी करके ही आप पोजिशन बनाइएगा। मुझे अच्छा लगा वो स्टॉक, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी हम कुछ भी इस तरीके के पोजिशन ट्रेड लेते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में लेते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके बाकी और भी बहुत सारी वीडियो से रिलेटेड लिंक आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ। तो अगर जिस शेयर से लिटरली बातें कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ऐसा है, मतलब वॉलेटाइल शेयर है। ओके, 2018 में यहाँ पर अच्छा खासा तक जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से गिरावट है, जस्ट बिकॉज और पूरे ऑटो सेक्टर में गिरावट है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें, यहाँ पर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव दिखाई देगा, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई देगा कि इस कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर भाग चुकी है और 100% तक के आसपास के गेन भी दे चुकी है। 1 महीने की बात करूँ, 1 महीने में भी कंपनी देखिए कंसोलिडेट करती है, बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। 1 डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। और यहाँ पर अगर आज की बात करूँ, 147 पे मैंने ये शेयर पकड़ा था और मैंने इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस की है, देखा ये शेयर, तो यहाँ पर उसके बाद ये शेयर निकलता हुआ नजर आया, लगभग 6 से 7% भागता हुआ नजर आया। शेयर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है मुंजाल शोवा लिमिटेड, डेट फ्री कंपनी है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर बात करते हैं, यहाँ पर 65% यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और कंपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पर डिविडेंड भी देती आ रही है, कोई शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इनके प्लांट्स वगैरह शट डाउन किए गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19, इस चीज को भी हमें देखना है। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर 52 वीक लो 75 था, और 9th February 176 रुपीज पे शेयर ट्रेड कर रहा था, और लगभग 27% लगभग 205,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड किए गए हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड कुछ और पैरामीटर की, तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं इनके कॉर्पोरेट एक्शन पे, तो आपको पता चलेगा कंपनी बहुत पुरानी है। तो स्प्लिट 2006 में दिया था, बोनस की बात करें तो 1998 में यहाँ पर बोनस कंपनी ने अनाउंस करती हुई दिखाई दी थी। मुंजाल की बात करें तो देखिए, मुंजाल जो शोवा काम किस में करते हैं ये देख लेते हैं। ये एक्चुअली शोवा बनाते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर पहले वहाँ पर चले जाते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। बहुत पुरानी कंपनी है, जापान की एक कंपनी है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन है। अगर बात करें ये कंपनी क्या करती है, तो ये शॉकर्स होते हैं ना, जो शॉक ऑब्जर्वर्स, तो वो कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। और बड़े बड़े इनके क्लाइंट है, क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कस्टमर्स की, तो इनके कस्टमर्स देखिए मारुति सुजुकी, यामाहा, होंडा, हीरो, यहाँ पर ये कंपनीज जितनी भी है, यहाँ पर होंडा कार्स हो गई, मारुति कार्स है, हीरो यहाँ पर मोटरसाइकिल्स हो गई, और होंडा यहाँ पर मोटरसाइकिल स्कूटर हो गई, और यामाहा यहाँ पर मोटर्स हो गई। तो यहाँ पर इन कंपनी के साथ इनके टाई अप्स है अच्छे खासे। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी क्या बनाती है, ये स्प्लेंडर, पैशन, हंक, जितनी भी एक कंपनी होती है, इनके लिए यहाँ पर ये शॉकर्स बनाती है, इग्निटर, मेस्ट्रो, यहाँ पर स्कूटी है, जो इन सब चीज़ के जो भी ये शॉकर्स होते हैं, यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर टू व्हीलर में अगर बात करें, होंडा सिटी, वैगनार, शिफ्ट, ये जो बड़ी बड़ी कारें जो आप चलाते हुए दिखाई देते हैं, सिलैरियो, ओमनी वैन, 800 cc कार, तो ये जितनी भी चीज़ें होती है इनकी, ये शॉकर्स यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर बात करें यहाँ पर सेल्स की, तो देखिए अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स होती है, सेल्स हो या ना हो चलो वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर अच्छे खासे प्रोडक्शन यहाँ पर कंपनीज कर रही है, और ईवी का भी टाइम चल रहा है, और ईवी के टाइम की वजह से यहाँ पर ईवी जितनी और आगे बढ़ेगी, तो शॉकर्स तो ऑब्वियसली बात है लगने ही है, बाइक में, स्कूटर्स में, कार्स में, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनकी सेल्स होती जाएगी। और मारुति आपको पता ही है किस तरीके की सेल्स करता है, होंडा सिटी, आप चलाने वाले होंडा सिटी चलाते ही है, स्कूटी भी बिकती है, बाकी होंडा और हीरो की यहाँ पर बाइक्स भी बिकती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर सेल्स वगैरह में भी देखिए अच्छी खासी अपसाइड्स यहाँ पर नजर आती है हर एक चीज में। हीरो में देखिए, तो हीरो की सेल्स, स्प्लेंडर की सेल्स देखिए 2021 मार्च की, कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कितना यहाँ पर जंप है।
तो एक एक आइडिया है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ में गिरावट है, कुछ में अपसाइड्स है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। 800 यहाँ पर पेस्ट्रो वैगनर, तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप हर चीज़ में नज़र आ रही है। होंडा सिटी कार्स में भी यहाँ पर इग्निटर की वजह से यहाँ पर शॉर्टेज है, बट यहाँ पर शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर कार में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, बट हमें सेमीकंडक्टर नहीं, हमें जो शॉकर है वो तो इसमें लगी रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। तो कंपनी की अगर फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करके देखें, यहाँ पर देखें कुछ यहाँ पर पैरामीटर, तो मार्केट कैप है यहाँ पर देखें, माइक्रो कैप 581 करोड़ का माइक्रो कैप है, 6% का ROCE है, डेट फ्री कंपनी है। देखिए डेट फ्री कंपनी फैसिनेट करती है, प्राइसिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, ये चीज़ें फैसिनेट करती है लोगों को। ओके, और यही चीज़ें हमें मोस्टली देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी बेकार में इंटरेस्ट पे करेगी वो हमारे एक तरीके से हमारे उसमें से ही हमारे शेयर्स में से ही जा रहे हैं, हमारे पैसे ही जा रहे हैं, इस चीज़ को देखना हो, क्योंकि हम कुछ भी कंपनी बाई करते हैं तो हम वी आर द ऑनर, हमें ऐसा फील करना चाहिए। सेल्स की बात करें, सेल्स देखिए 2018 में सबसे ज़्यादा हुई थी, ओके 2018 में, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट हुई, और यहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट था, बट कोविड के बाद सेप्टेम्बर से बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाई देती हुई नजर आ रही है, और इस बार मुझे लगता है कि और अच्छे रिजल्ट आने की आशंका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया है, यहाँ पर देखिए और भी अच्छे खासे यहाँ पर पिछले 3-4-5 क्वार्टर में अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे, हाईएस्ट एवर। यहाँ पर ईयरली बेस की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है, और यहाँ पर नीचे है, बट धीरे धीरे अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार दोबारा से बाहर आ रही है एक तरीके से कह सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें, अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कंपनी आगे बढ़ेगी और लॉकडाउन ओपन होगा, ये कंपनी भी भागती हुई नजर आएगी। और लॉकडाउन कोविड की वजह से लोग इंडिपेंडेंट गाड़ी स्कूटर्स और बात करें यहाँ पर बाइक खरीदना पसंद करते हैं, तो मोस्टली बाइक स्प्लेंडर वगैरह ही मोस्टली गाँव में यूज़ करी जाती है, और अच्छी खासी बाइक्स भी जो भी यूज़ हो रही है वो उस सारी मोस्टली कंपनीज में शॉकर यही कंपनी दे रही है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, रिजर्व्स अच्छे खासे 610 करोड़ के, कोई यहाँ पर बोरिंग नहीं है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर पैसा खर्च करती हुई नजर आ रही है, कैश अच्छा है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा है। बात करें यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65% है, FIDS इसमें कुछ खास नहीं है, ओके, और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो लगभग 29% के आसपास यहाँ पब्लिक की है, तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा, बल्कि डेट फ्री कंपनी है, इस चीज़ को भी देखना होगा। स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है, ज़्यादा इन्वेस्ट करके नहीं चलना है। अब बात करते हैं, मेरी खुद की स्टडी है, पहले बता देता हूँ आपको, कोई बैंक सेलिंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, खुद की स्टडी करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न, देखिए यहाँ पर कुछ अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये 306 रुपये पे 2018 में यहाँ पर शेयर जाता हुआ नज़र आया था, उसके बाद यहाँ पर गिरावट नज़र आई है, फिर ये कोविड आ गया, फिर गिरावट है, बट उसके बाद ये शेयर देखिए यहाँ पर 56 रुपये से 154 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, तो देखिए यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, एक बार यहाँ लिया है, ओके एक बार यहाँ लिया है, अगर बात करें यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ लिया है, फिर एक बार दोबारा यहाँ पर, बट यहाँ पर से अब दोबारा तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, और ये ब्रेकआउट सीधा जाके कहाँ रुकेगा उस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। तो अगर बात करते हैं इस शेयर की, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर, वो भी कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक इसका ये शोल्डर हो गया, इसके बाद बात करें यहाँ पर इसका ये हेड हो गया, ओके, इसके बाद यहाँ पर एक ये पॉइंट्स ये था जहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाया था, इसके बाद दोबारा एक यहाँ पर, तो ये कॉम्प्लेक्स रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जब और यहाँ पर एक ब्रेकआउट निकल गया, मतलब ब्रेकआउट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये शेयर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और जब ऊपर जाता हुआ ऐसी चीज़ें नज़र आती है तो एक अच्छा खासा, मतलब अगर इसके डाउन को हम उठा लेते हैं नीचे से, तो आपको अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 173% का यहाँ पर गेन अपसाइड दिखाई दे रहा है। इसे उठा के हम इसके नेक लाइन पर लगा देंगे, ओके, जो कि यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर देखते देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भाग चुका है ये शेयर, तो यहाँ पर से हम लेते हुए नज़र आएंगे, और अगर यहाँ से देखते इस इसके टॉप्स को अगर मिला देते हैं तो 241 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ नज़र आ रहा है। 241 ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, उसे आप थोड़ा सा कर देख लीजिएगा, बट 235-230 रुपीज़ तक ये शेयर जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें बाइंग सेलिंग की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न कुछ बोल रहे हैं उसके बेस पे हमने बात करी है। ऑल टाइम हाई इसका ये है, अगर अच्छे खासे नंबर यहाँ पर प्रेजेंट कर देती है कंपनी तो ये ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा। अगर यहाँ पर 2018
2018 से अच्छे नंबर यहाँ पर एक बार धीरे धीरे आना शुरू हो गए, तो इसे टच करेगा। डेट फ्री कंपनी है और अच्छे खासे यहाँ पर बाइक्स वगैरह बिच सेल आउट हो रही है, तो बाइक्स में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, कार्स में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। स्विफ्ट लोगों की पसंद है, होंडा सिटी लोगों की पसंद है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट आज यहाँ पर दे दिया है इसने, ओके कल की डेट में देखते हैं। इसी तरीके का ब्रेकआउट जेटी केटी ने दिया था स्टार्टिंग में, और जब मैंने आपको बताया था फिर उसके बाद यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, तो इसलिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, रिजल्ट एक बार देखेंगे। डेट फ्री कंपनी है, अच्छी खासी होल्डिंग्स हैं, ओके कंपनी अपने आप को इतने पुराने सालों से यहाँ पर एडजस्ट करती हुई नज़र आई है। स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप है, तो थोड़ा सा कम बस इन्वेस्ट करिए, बाकी आप खुद देख सकते हैं। बाकी खुद भी बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही कुछ पोजीशन लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉइस ऑफ फाइनेंस शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।